नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इट्स एम कुमार में। मैं मनोज कुमार आप सभी के साथ एक बार फिर से हूँ। आज हम रुके हुए हैं लेह सिटी के अंदर और आज एक तरह से रेस्ट डे के रूप में मनाएंगे क्योंकि हम बहुत हाई हाई एल्टीट्यूड्स पर रह के आए हैं। तो आज हम लेह सिटी के अकॉर्डिंग हमारे जो शरीर है उसको अनुकूल करेंगे ताकि जो हमारी जो नेक्स्ट जो राइड होने वाली है जिसमें हम वर्ल्ड हाईएस्ट पास खारदुंगला को करने वाले हैं तो उसमें करने में हमें परेशानी ना आए, इसलिए आज हम यहाँ रुक रहे हैं। साथ ही साथ आज हम क्या करेंगे, कल रात को हमने लेह का जो मार्केट था उसको एक्सप्लोर किया था, थोड़ा बहुत बाइक का है काम है वो करवाएंगे। तो चलिए फिर आज दिन की शुरुआत करते हैं। आज के व्लॉग में आपको देखने को मिलेगी लेह सिटी। चलिए फिर व्लॉग शुरू करते हैं। तो कल रात को जो यहाँ पे हमें लेह के अंदर नींद आई है ना, वो अभी तक की जो राइड है उसमें जो सबसे खतरनाक नींद है वो आई है। क्योंकि अभी तक हम जहाँ पे रुक रहे थे वहाँ पे सभी जगह ऑलमोस्ट ऑक्सीजन लेवल की बहुत कमी थी, मतलब ऑक्सीजन बहुत कम थी। यहाँ लेह में एनवायरनमेंट काफ़ी बढ़िया है, वैसे तो लग तो ऐसे रहा है जयपुर जैसा ही। यहाँ पे भी थोड़ा बहुत हम जैसे पैदल चल रहे हैं या सीढ़ियाँ एक दो बार चढ़ ली उसके बाद फिर सांस बढ़ने लगती है, तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पे भी एडजस्ट होने में। प्रॉब्लम तो है लेकिन हाँ उतनी नहीं है जितनी हमें जो पिछले दिन थे उनमें थी। तो जैसे कि हम लोग आज लेह में रुके हुए हैं तो आज हमारे पास मौका है जीन्स और अपने जो फॉर्मल कपड़े हैं वो पहनने का, क्योंकि जब से राइड चालू हुई है तब से मैं तो वही राइडिंग जैकेट और पैंट में आज होते हैं तैयार। हो गया तैयार तो अभी हम लोगों ने क्या किया, जो ऑनलाइन परमिट था उसके लिए हमने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया है। तो ऑनलाइन अप्लाई कैसे करते हैं उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना के आपको बता देंगे कि ऑनलाइन लेह लद्दाख के जो इनर लाइन परमिट है उसके लिए कैसे अप्लाई करना है, कितने उसके चार्जेस हैं। चार्जेस अभी जैसे मैं बताऊँ, हम चार लोगों के 2240 रुपये लगे हैं हाल फिलहाल। तो अभी फटाफट से तैयार होते हैं और निकलते हैं यहाँ से। तो रेडी चले। तो गुड मॉर्निंग, अभी आज हमारी दिन की जो शुरुआत है हम कर रहे हैं जो अपनी बाइक है उसको या तो वॉश वगैरह कुछ करवाते हैं क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत सी कर सकती है ये, नहीं तो ये मैंने रात को लिया था यहाँ पे। आज बिल्कुल खाली बाइक चलाने को मिलेगी अपन को, खाली खाली। तो अभी निकलते हैं फटाफट, पहले तो सर्विस स्टेशन जाएंगे, कुछ ऑयल वगैरह का अगर इश्यू है तो वो कंप्लीट कराएंगे। ऐसा कितनी हल्की लग रही है, कहीं मैं ज़्यादा जोश में इसको गलत तरीके से यूज़ ना कर लूँ, इसको ज़ीरो कर देता हूँ। कल 180 किलोमीटर हुआ था। चलो फिर बाइक को वॉश करा के लाते हैं आज। ये वाले ग्लव्स हैं, ये विंटर लाइनर लगा रखे हैं मैंने अभी, तो इनमें थोड़ा सा हाथ अजीब सा फील हो रहा है। मैन ग्लव्स मेरे ऊपर रूम में रह गए इसलिए मैं वापस उनको लेने के लिए नहीं गया। अच्छा चलो नीचे चला के देखते हैं, आज अलग एक्सपीरियंस लेते हैं थोड़ा सा। भाई साहब विदाउट लोडेड बाइक तो कितनी हल्की है, कैसी लग रही है समझ में ही नहीं आ रहा, बहुत ही अजीब सी लग रही है यार। अब मेरे को सही बता रहा हूँ, हिमालयन इतनी भारी और ऐसे लगा करती थी, लेकिन लद्दाख राइड अभी हाफ हमने कर ली और अब काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है बाइक के ऊपर। तो अभी हाल फिलहाल जो जनरल चेकअप है उसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, ये है मोहन शर्मा, तो ये रॉयल एनफील्ड का अच्छा काम करते बताए यहाँ पे। तो सर्विस सेंटर के बजाय देखें इनसे चेक करवा के देखते हैं आखिर कुछ इम्प्रूवमेंट या कुछ कमी है क्या करना है।
भाई टाइम अभी हो गया है 12:23, और यहाँ पे ये जो शर्मा सर्विस स्टेशन था, यहाँ पे ऑयल भी चेंज करवा लिया साथ में, और ऑयल और सर्विस दोनों मिला के हम लोगों को 1000 रुपये के राउंड पड़ी। तो अभी जो प्लान है वो ये है कि जो शर्मा जी थे उन्होंने बुलाया कि गाड़ी ओके, एकदम ऑयल चेंज कर दिया है, और अभी वो बोल रहे हैं कि इसकी वॉशिंग करा लो ताकि गाड़ी हल्की हो जाए थोड़ी। अभी जहाँ हॉल ऑफ फेम के आसपास जा रहे हैं वहाँ पे बता रहे हैं कि वॉशिंग वाला भी है, तो दोनों बाइक्स की वॉशिंग करा लेते हैं, कुछ हल्का हो तो बढ़िया है, 150 रुपये में काम हो जाएगा। वेदर अभी बताऊँ तो वेदर जैसे आज तो बोल रहे थे कि बर्फ गिरने की संभावना है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, वेदर अभी ठीक ठाक है, अच्छा है, शानदार लग रहा है। जो शर्मा जी है जिनके अभी सर्विस कराई, उनको 33 साल का अनुभव है रॉयल इनफील्ड का। वो गाड़ी स्टार्ट करके और उसका थोड़ा सा एग्जामिन करके ही बता देते हैं कि राइडर की राइडिंग स्टाइल सही है नहीं है। ओके, तो अभी प्लान वॉशिंग का था, लेकिन अभी हाल फिलहाल थोड़ा सा ड्रॉप आउट कर दिया और हम लोग आ गए हैं यहाँ पे हॉल ऑफ फेम विजिट करने के लिए। बाइक को अपन को पार्किंग पार्क कर दिया है बाइक को, और अब देख के आते हैं अंदर क्या क्या यहाँ पे। तो यहाँ पे जो इसके एंट्री टिकट्स हैं उसका कुछ इस टाइप से है। टिकट है एडल्ट्स के लिए 200 रुपये है, एल के लिए और कैमरे के लिए 20 रुपये है, वीडियो कैमरे के लिए 100 रुपये यहाँ पे फीस है। और जो इसकी टाइमिंग की बात करें तो यहाँ पे ओपन टाइम 9:30 और लंच टाइम 12:30 से 1:30 बजे तक, और काउंटर क्लोज शाम को 4:30 बजे काउंटर क्लोज होता है, और संडे को ये क्लोज रहता है। और यहाँ पर जो साउंड और लाइट का शो होता है वो 12:15 मतलब 8:15 बजे होता है। तो अभी हम बाइक की सर्विस करा के यहाँ पे पहुँचे थे हॉल ऑफ फेम देखने के लिए, लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पे जो अभी लंच टाइम चल रहा है जिसके कारण ये क्लोज्ड है, और 2 बजे के अराउंड यहाँ से ओपन होएगा। धूप भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए हम लोग यहाँ वेट नहीं करने वाले, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पर। हुआ तो यहाँ पर वॉशिंग कराएंगे, नहीं तो देखते हैं क्या है। शुभम क्या करें यार, चलते हैं भाई, धूप बहुत ज़्यादा है। और वैसे बोल रहे हैं कि 2:15 बजे के आसपास, मतलब 1:30 बजे टाइम है, लेकिन 2 तो बज ही जाएंगे ऑन होते होते, तो देखते हैं। अगर वैसे जब कारगिल जाएंगे यहाँ से तो उस टाइम होते हुए निकल जाएंगे इधर से। तो अभी क्या वॉशिंग कराने चलें? वॉशिंग कराने चलते हैं। तो अभी कहीं ढूंढते हैं जहाँ पे बाइक वॉशिंग होती हो, फिर वहाँ से बाइक वॉश करा के निकलते हैं अपन धूप के लिए। तो हम लोगों का अभी तो बैड लक हाल फिलहाल, तो हम लोग बस टाइम कम है, वॉशिंग करा लाते हैं जब तक बाइक की। ओके, तो यहाँ पे चल रही है अभी फोटोग्राफी विद हॉल ऑफ फेम। अभी बाइक में थोड़ा सा पेट्रोल कम है, तो एक काम करते हैं यहाँ से पेट्रोल फिल करा के लेते हैं, क्योंकि वैसे भी पेट्रोल तो डलवाना है ही। अच्छी खासी भीड़ हो रखी है यार, बाइकर्स खूब हैं, बहुत सारे बाइकर्स हैं। फाइटर जेट। ओके, यहाँ पे पेट्रोल पंप पे भी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, जिसके कारण मतलब एक की ही पंप काम कर रहा है। तो अभी हाल फिलहाल तो जस्ट रिजर्व में आई है, तो कल डलवा लेंगे, क्योंकि आज तो वैसे भी ज़्यादा दूर तो जाना है नहीं, सिटी में ही घूमना है सारा।
बाइक है उसकी वॉशिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो अभी यहाँ से निकलते हैं। और जो वॉशिंग के सीन थे वो तो आपने, जींस में भाई साहब बैठना बड़ा ही मुश्किल काम है। बाइक एकदम भाई साहब नई नई चिकन चिकन हो गई है।